वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज भावेश। माय नेम इज भूमिका। और मेरा नाम है जगदीश। तो कराची का हमने कल एक वीडियो किया था, तो हमारे एक भाई ने हमें वीडियो एक लिंक सेंड किया है, बोला कि हमने पहले कराची का जो बहरिया टाउन देखा, तो अभी जो लेटेस्ट है क्योंकि उसमें काम चल रहा था, तो अब कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ अपडेट हुआ है, तो उसके बाद वो कैसा दिखता है और कैसी उसकी खूबसूरती है, तो देखते हैं बहरिया टाउन को एक नए रूप में, एक नए वीडियो में। करो स्टार्ट। सामने तरफ thank you.
तो ये था बहरिया टाउन। हाँ चिंकी बाबू, पहले अपने अपने व्यूज बता दो। मेरे को सारी बिल्डिंग थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं वो है अभी भी बहुत अच्छी लग रही थी, एक जैसे बनी हुई थी। कहीं अपने यहाँ तो होता है एक ही अलग अलग घर बने होते हैं। हाँ तो प्लानिंग है ना, पूरा टाउन बसा है उसी तरह से गया है कि सबको मतलब अपने हिसाब से कुछ नहीं होगा वहाँ पे, पूरी प्लानिंग के हिसाब से होता है। प्लानिंग से बने हुए जो शहर होते हैं, जो कहते हैं ना, वो ऐसे ही होता है जिसमें प्लॉटिंग बराबर होगी, मकान बराबर होंगे और इस तरह से अलॉट होंगे। अब अपने भी छोटी छोटी प्लानिंग होती है ना कहीं कहीं, ये तो काफ़ी बड़ी प्लानिंग है। और इसलिए मतलब जब शुरुआत में अपने कुछ वीडियो देखे थे तो हमें खाली एक डेजर्ट दिखा था और बीच बीच में कहीं ऑफिसेज और कुछ अपार्टमेंट दिखे थे, पर अब जो मकान दिखे हैं
और मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं तो कितना मतलब ऐसा नहीं होता है कि यार मेरे पड़ोसी का घर ऊंचा है, यार नहीं मैं एक माला ऊपर बना दूँ, अच्छा मैं एक माला और ऊपर बनाऊंगा, तो ये झगड़े चलते रहते हैं। पर यहाँ पे बिल्कुल सब इक्वल है ना, तो यही चीज़ सही है। बाकी ऑफिसर्स हैं, जो हेड ऑफिस है, तो उसकी हेड ऑफिस इतना बड़ा है तो जो प्लानिंग है, तो इसमें मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये कितना फैला हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे रहने के लिए मतलब यहाँ पे हर कोई आ जा सकता है, या फिर पर्टिकुलर जो लोग रहते हैं वही उसी उसके अंदर आ जा सकते हैं ना, कोई बाहर का नहीं आ सकता है। तो ये क्योंकि इतनी खूबसूरती है और हर समाज में हर तबके के लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग एलिमेंट होते हैं जो 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 प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उनको तोड़ने का काम करते हैं, जैसे बसों की सीटें फाड़ देना, ऐसे चीज़ होते हैं। कहीं पर गवर्नमेंट कोशिश करती है अपने जैसे मुल्कों में पैसे होते नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट दिखाती है, पर लोग उसका केयर नहीं करते, उसको तोड़ देते हैं। तो ऐसे एलिमेंट होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट आते हैं या फिर उनको भी मतलब अलाउ है या नहीं है, वो आप बताना। बाकी हाँ वो सड़कें काफी अच्छी लग रही थी, बहुत चौड़ी काफी चौड़ी ओके बहुत चौड़ी चौड़ी सड़क चौड़ी चौड़ी ओके। और पार्क भी बने हुए थे, मस्जिद भी थी, थे नहीं है अभी भी वो बनी हुई है, मस्जिद हाँ भी है, यूनिवर्सिटी हाँ भी बन रही है हाँ ठीक है। और आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? यूनिवर्सिटी ज़्यादा है, वो काफ़ी खूबसूरत थी दिखने में, और मेरे को वो मैं बचपन में छोटा था, अलादीन का एक कार्टून आता था, तो उसमें वो उसका महल इसी टाइप से बना हुआ था, एकदम गोल गोल गुंबद बने हुए थे। वो पूरी बनी हुई नहीं थी मेरे हिसाब से, उसमें काम बाकी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन आधा हुआ है। तो बताना आप कितना परसेंट काम हुआ है उसमें, और कितने लोग एक्चुअल में रह रहे हैं वहाँ पे। बाकी वाकई में बिल्कुल ये अपडेटेड हमने देखा इसका व्यू बहरिया टाउन कराची, वाकई में अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बिल्कुल यूनिक लगती है वो। तो थैंक्स वीडियो सेंड करने के लिए, और भी कोई अच्छे वीडियोस हो वो आप हमें सेंड करते रहिए, और प्लीज़ सपोर्ट अस, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। यही बैठने के लिए पहले बैठा रहता है। और चिंकू मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ओके, तो अपना बहुत ख्याल रखना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर ही देना। बाय।